शिवराज सरकार ने विंध्य की महत्वपूर्ण बाण सागर परियोजना के तहत बाण सागर बांध से क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया था। अब 25 सितंबर को प्रदेश सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस दिन जिले के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं रीवा जिले में बाण सागर का पानी मिल रहा है, जिसके चलते पानी की कमी नहीं हो रही है। ये पानी रीवा जिला वासियों के लिए अमृत से कम नहीं है। जिस सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस प्रभारी मंत्री जी ने नियत किया है, ये वो दिन है जब बाण सागर से पहली बार बाण सागर का पानी रीवा जिले में प्रवेश किया था और उसके कारण रीवा जिले में जो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज इसके लिए बैठक की गई है और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजन इसमें करेंगे।